welcome. You are watching Amity TV. I am Sanskriti, and today we have a very eminent guest, Mr. Anoop Soni sir with us. He is an actor as well as an anchor. He is alumnus of National School of Drama, and he began his career with roles in television serials. In 2003, he appeared in films like Hathiyar and many more. In 2004, he appeared in Ashok Pandit's film, which was named as She. He also worked in television serials like Crime Patrol on Sony. He's currently working in television and films both. A very warm welcome, sir, to our campus. Thank you. So I would like to ask, what keeps you inspired to work as an actor as well as an anchor? See, I'm primarily an actor, and I always wanted to be an actor because I was so fascinated by this craft. Jab main chota tha, filmein dekhta tha. तो हम फिल्में देखने जाते हैं, हम एंटरटेन होते हैं, यू नो वी लाइक सॉन्ग्स एंड ड्रामा एंड एवरीथिंग, बट आई ऑलवेज यूज टू गेट इंट्रीग्ड, स्पेशली बिकॉज आई एम टॉकिंग अबाउट माई चाइल्डहुड. तब एक्सपोजर इतना ज़्यादा नहीं था, शायद इस अभी के टाइम में आप फिल्म से उतना फैसिनेट नहीं होते हैं. मुझे ऐसा लगता है कि आज जो हैं बहुत सारे लोग शायद फिल्मों से, उसके ग्लैमर की वजह से, उसके साथ जो एक फेम अटैच्ड है, उससे बहुत ज़्यादा अफेक्ट होते हैं. बट पता नहीं क्यों ऐसा, मुझे फिल्में देखता था तो मैं लगता था ये एक्टर कैसे करते हैं, ये इमोशन कैसे क्रिएट करते हैं. तो वो एक इंट्रीग पैदा हुआ उसको समझने का. फिर मैंने थिएटर वर्कशॉप्स की, फिर नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा जो इंस्टीट्यूट है दिल्ली में, 3 साल, लाइक यू गाइस आर स्टडिंग हियर सो आई वेंट टू स्टडी एक्टिंग फॉर 3 ईयर्स. बस उसके बाद से अब वो पैशन है जो लगता है आपको गेट गोइंग टिल नाउ. Okay, sir. Sir, so in your acting career, you must be getting different types of roles to play. Sir, so how do you manage to select a particular role? How do you get to know that the role is suitable for you? See, I always feel ke films jo hoti hain, you know, they are, the story is narrated through a camera. Yes. Jo camera dikhayega, wohi aap dekhoge as an audience. Jo camera nahi dikhayega, wo aap nahi dekh paoge. तो पहला तो एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ये होता है कि कहानी में आपकी इम्पॉर्टेंस क्या है. Yes. कहानी में आप कर क्या रहे हैं, कहानी में आपका कंट्रीब्यूशन क्या है, आपके कैरेक्टर का जो आप रोल प्ले कर रहे हैं, कितना इम्पैक्ट है. जितना स्ट्रॉन्गर इम्पैक्ट होगा उतना आपका रोल अच्छा है. लेंथ चाहे कम हो, आपने बहुत सारी फिल्मों में ऐसा देखा होगा कि कुछ एक्टर्स आते हैं उनके फिल्म में 2 ही सीन होते हैं, लेकिन वो 2 सीन आपको लगता है यार क्या कमाल किया. Yes. तो वो एक्टर भी अच्छे थे, बट एट द सेम टाइम उन 2 सीन्स में वो पोटेंशियल था. उन 2 सीन्स जो, वो जो 2 सीन्स थे वो उस कहानी का इतना इम्पॉर्टेंट हिस्सा थे. तो मैं जब कोई प्रोजेक्ट सेलेक्ट करता हूँ तो मैं, मेरा क्राइटेरिया ये होता है कि मैं इस फिल्म में कर क्या रहा हूँ एज एन एक्टर. क्योंकि देखिए कैमरा, अगर आपने मुझसे कोई बात कही है, 3 लोग खड़े हैं, अगर मैं कुछ कहता हूँ, मेरे कुछ कहने का इम्पैक्ट ए पे क्या हो रहा है और बी पे क्या हो रहा है. कैमरा ए को अगर ज़्यादा दिखाएगा तो इसका मतलब उसका किरदार ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. बी को अगर वो कम दिखाएगा तो यानी कि डायरेक्टर चाहता है कि मैंने जो बात कही है उसका ए पे जो इम्पैक्ट हुआ है, ए का इमोशन ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ए को क्या फील हुआ. तो मैं चाहता हूँ कि ऐसे किरदार करूँ जो कहानी में वो कुछ इम्पैक्ट क्रिएट कर सकें. तो ये एक बड़ा आसान सा डिसीजन मेकिंग हो जाता है, इजी हो जाता है फिल्म को चूज़ करना. और फिर उसके बाद डेफिनेटली डायरेक्टर कौन है, को एक्टर्स कौन हैं, वो एक एडेड कंट्रीब्यूशन होता है फिल्म का. बट पहले, सबसे पहले ये कि आपका रोल फिल्म में कर क्या रहा है, मतलब सब कुछ मैनेज करके चलना. जी. ओके सर. सर, सो इफ यू वर टू गिव एनी एडवाइस कंसिडरिंग अ करियर इन एक्टिंग एज वेल एज एन एंकरिंग, व्हाट वुड यू टेल? सी, एंकरिंग मेरा कोई करियर था ही नहीं, मैं तो एक्टर था और आज भी एक्टर हूँ. एंकरिंग जस्ट हैपेंड. इट्स लाइक आपने बहुत सारे एक्टर्स को देखा, अभी अमिताभ बच्चन ने कभी थोड़ी सोचा था कि अमिताभ बच्चन जो है वो KBC होस्ट करेंगे, वो तो हमेशा से एक्टर थे. सो वो एक KBC उनकी जिंदगी, उसी तरीके से मेरी ज़िंदगी में क्राइम पेट्रोल आ गया. तो मैं तो हमेशा से एक्टर हूँ. और अगर एक्टिंग के लिए कोई एडवाइस देनी है तो मैं ये कहूँगा कि प्लीज़ जब भी आपको ऐसा लगे कि मैं एक्टर बनना चाहता हूँ, अपने आप से ये सवाल ज़रूर पूछें कि मैं एक्टर क्यों बनना चाहता हूँ. वो क्यों का जवाब अगर ये है कि मैं इसके बिना जी नहीं सकता हूँ और मुझे यही करना है, मुझे इसी में कुछ करना है, देन यू मूव फॉरवर्ड. अगर आपको लगता है नहीं यार ये फैसिनेशन है, ये जो फेम है, ये जो ग्लैमर अटैच्ड है, वो बहुत टेम्परेरी है. अगर आपका क्राफ्ट पे कमांड है ना, जैसे कि मैं अगर बहुत ही आम भाषा में कहूँ तो अगर एक कोई स्किल, जैसे स्किल हम कहते हैं ना, अगर मेरे पास वो स्किल है
तो मैं उससे लंबे समय तक सर्वाइव कर सकता हूँ। हो सकता है कि मैं कारपेंटर हूँ, आज मेरे पास बहुत बिजनेस है, मैं फर्नीचर बनाता हूँ, कॉलेज के लिए बनाता हूँ, हॉस्पिटल के लिए बनाता हूँ, हो सकता है थोड़े दिनों में मेरे पास काम कम हो जाए, लेकिन वो स्किल तो मेरा कम नहीं हुआ ना। ठीक है, आज काम कम है, कल को मैं फिर से बने। तो अगर आपका एक्टिंग के स्किल पे कमांड है तो कल को आपके पास काम नहीं भी है ना तो भी आप सर्वाइव कर जाएंगे, क्योंकि आपका स्किल पे कमांड है। तो मोर देन एनीथिंग एल्स इन दिस इंडस्ट्री, डोंट गेट फैसिनेटेड बाय फेम, ग्लैमर, बिकॉज ये बहुत ज़्यादा टेम्परेरी है और बहुत नकली है। So we are very thankful that you spent your precious time with us today. We would like to know that how are you feeling after coming to Amity University Patna, as you spent your time with students, with all of us, and you had conversation with them. So how did you feel, sir? See, tell you very honestly, thankful to MIT. We went to MIT Ranchi also yesterday, and today we are in Patna, and I think we will be going to MIT Noida also, as far as I know my schedule. So first of all, thankful to MIT for organizing this event and giving us time and space to promote our film Mirg. और जहाँ तक स्टूडेंट से बात करने की बात है, मुझे हमेशा से बहुत अच्छा लगता है। आई थिंक आई एम बॉम्बे में, अगर आप बिलीव नहीं करेंगे, मैं एग्जैजरेट नहीं कर रहा हूँ, मैं हफ्ते में कम से कम 2 शाउट आउट वीडियोस बनाता हूँ स्टूडेंट्स के अपने कॉलेज फंक्शंस के लिए, और रैंडम, जिनको मैं जानता भी नहीं हूँ, मेरे टाइमलाइन पे कोई मेल करके या कहीं से या थ्रू माय मैनेजर्स टीम आ जाता है, सर हमारा ये कॉलेज का फेस्टिवल है। तो मुझे ऐसा लगता है कि स्टूडेंट्स के साथ इंटरेक्ट करना इसलिए अच्छा होता है क्योंकि एक तो वो बहुत ऐसे स्टेज पे हैं जहाँ पे उनका रेस्टलेसनेस एक बड़े पॉजिटिव लेवल का होता है, बिकॉज दे आर इन द प्रोसेस ऑफ डिस्कवरिंग देमसेल्फ, वो ढूंढ रहे हैं कि यार हमें कौन सा रास्ता पकड़ना है, हमें क्या करना है। उनके साथ इंटरेक्ट करने में हमेशा ही अच्छा, कई बार उनके सवालों से ही बहुत कुछ अच्छा समझने को मिलता है कि यार ये क्या दिमाग में चल क्या रहा है इनके। सो थैंक यू टू MIT फॉर इन्वाइटिंग अस। Thank you so much, sir. Thank you so much, sir, for enlightening us with your presence. Keep watching Amity TV. Thank you.